हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग मैं हूं आपके साथ शिखा लगातार हम बात करते हैं इस कार्यक्रम में हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में और कोशिश करते हैं कि आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को हम जल्द से जल्द दूर कर सकें इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं डॉक्टर बिमल छाजेर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि बताते हैं कि बिना किसी सर्जरी के आप हार्ट प्रॉब्लम को किस तरह से दूर कर सकते हैं डॉक्टर बिमल छाजेर वेलकम टू द शो थैंक यू डॉक्टर साहब हार्ट प्रॉब्लम के बारे में लगातार आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं लगातार गाइड करते हैं कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर हार्ट प्रॉब्लम है हमने जिक्र किया था स्ट्रेस के बारे में आपने काफ़ी सारी चीजें बताई थी कि स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं तो आपसे जानना चाहूंगी क्या जो स्ट्रेस है इसको किसी भी तरह से क्या जीरो किया जा सकता है देखिए स्ट्रेस जीरो हो नहीं सकता और हो भी जाए तो बहुत डेंजरस बात है स्ट्रेस जीरो हो जाना मतलब किसी भी चीज़ का कोई फिक्र ना हो मतलब एक आदमी को बताया जाए आपकी वाइफ बीमार है हॉस्पिटलाइजेबल है तो क्या फिक्र रह पड़ता है ये नहीं हो सकता जीरो स्ट्रेस आज के जमाने में पॉसिबल है ही नहीं चारों तरफ से प्रेशर है पर स्ट्रेस को आधा तक कर दिया जाए फिफ्टी परसेंट स्ट्रेस कर दिया जाए तो काफी है और अगर फिफ्टी नहीं कर सकते 75 भी रहे तब भी चलता है पर आम आदमी आजकल कल हंड्रेड परसेंट स्ट्रेस या कोई कोई तो डेढ़ सौ दो सौ परसेंट स्ट्रेस में चल रहा है तो हम लोग उनको बोलते हैं आप स्ट्रेस को जितना हो सके कम करो क्योंकि हार्ट की बीमारी में स्ट्रेस का बहुत ज़बरदस्त रोल है स्ट्रेस के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है स्ट्रेस के वजह से शुगर बढ़ जाती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है ट्राइग्लिसाइड बढ़ती है एच कम हो जाती है स्ट्रेस के वजह से एल्कोहल और स्मोकिंग भी आपके लाइफ में शुरू होती है तो तनाव को कम करना बहुत ही जरूरी है बिल्कुल आपने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन एज ए ह्यूमन बींग ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें और स्ट्रेस को अपनी लाइफ से कम करें कुछ एक मेन फैक्टर होते हैं डॉक्टर साहब जो कि हमारी लाइफ से जुड़े ही होते हैं जैसे कि हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए या फिर हमारा वर्क का टेंशन हो गया और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आदमी का जो वे ऑफ टॉकिंग है कई बार वो बहुत गलत हो जाता है उसकी वजह से भी तनाव बढ़ता है तो इस कंडीशन को कैसे बैलेंस करें शुरू करते हैं एक वे ऑफ टॉकिंग वाला बात वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में किस तरह से बात किया जाए कि टेंशन ही ना हो एक एग्जांपल लेते हैं हस्बैंड ऑफिस से घर आया और वाइफ ने चाय बना के पत्नी ने चाय बना के रख दिया अब हस्बैंड अगर तरीके से अच्छा उसने चाय पिया एक घूट और पता चला चीनी नहीं है अगर हस्बैंड तरीके से बोले बिना इंसल्ट के बोले तो बोलना होगा किचन में ले जाके चाय की कप को लग रहा है चाय में तुमने चीनी नहीं डाला है अच्छा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है पत्नी इमीडिएटली मान जाएगी मेरी गलती है और वो बोलेगी मैं कॉफी बना के देती हूँ मैं नाश्ता लेके आती हूँ और सब चीज सही हो जाएगा जी। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए उल्टा कर दिया जाए और इसको कैसे भी हो कि स्ट्रेस को कम कर दिया जाए तो ये बात बन सकता है अगर चेंज कैसे लाना होता है वो मैं समझाने की कोशिश करूं कि स्ट्रेस को अगर आप बोलने का तरीका अगर हस्बैंड गलत तरीके से बोल दे कि तुमने ज़िंदगी में कभी आ... चाय बनाना सीखा ही नहीं है कोई चाय है इसमें चीनी होता है अगर ऐसा बोल दिया जाए तो सारा चीज़ बिगड़ जाता है और इसको बोलते हैं गलत तरीके से बोलना वो नहीं होना चाहिए तो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं या तो इंसल्ट करके या फिर उसी को अगर हम थोड़ा सा सॉफ्ट लैंग्वेज में अगर बोल दें तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती हा, है चलिए इस बारे में बात करेंगे फिलहाल एक कॉलर जो की वेस्ट बंगाल से है हेलो हेलो सुशांत जी बताए क्या जानना चाहते हैं मैं जाना चाहता हूँ मेरे भैया बड़ा भैया है पैकृत जी तो उसका डॉक्टर ने बोला कि एक भाल बंद है जी तो हमको मालूम नहीं भाल क्या है या आटर क्या है जी डॉक्टर सबको हमने कहना क्या, चाहता है जी वो बंगाल है हम उसके साथ बंगाल में कथा बोलना चाहते हैं बात करना चाहते एक कथा बोली दी कथा अपनी हैं वही ब्लॉकेजा के अपना के एक बार थे हो बेटा सिटी कैरोनरी एनजियोग्राफी यहाँ अपनी कोलकाता से ऐसे देखाते पा रहे मैं कोलकाता जाता रहता हूँ और वहाँ पे वहाँ पे आप जाके वहाँ पे हमको दिखाइए तो इनका जरूर हम हल निकालेंगे मैं बंगाल का बहुत साल से रहा हूँ इसलिए बंगाली भी जानता हूँ पर मैं समझता हूँ हार्ट की बीमारी का जो इलाज है वो कोई भी जगह का हो हमारे ट्रीटमेंट सेम हम होती है कलकत्ता चाहे दिल्ली या मुंबई आप हमको आके मिलिए और आपको हम बताएंगे किस तरह से इसका सोल्यूशन होगा बिल्कुल सुशांत जी जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो कलकटा जाते रहते हैं तो आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उनसे मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं उसके लिए सभी नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं साथ ही दर्शकों अगर आप चाहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिले तो उसके लिए आप कॉल करके फ्री डीवीडीज मंगवा सकते हैं और साथ ही कैंप भी डॉक्टर साहब के अलग अलग सिटीज में लगते रहते हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हम स्ट्रेस की आपने बोला कि वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक एग्जाम्पल आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया शायद हर एक के घर में ये चीजें होती हैं क्या इसके अलावा भी कोई और ऐसी चीजें हैं जिनको की वे ऑफ टॉकिंग में स्ट्रेस की वजह से इंक्लूड किया जा सकता है देखिए ये जो वे ऑफ टॉकिंग है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है एक बार आपने कोई को इंसल्ट किया तो दूसरा भी फिर इंसल्ट करता है फिर आपको भी इंसल्ट करना पड़ेगा जैसे इसी पहलू को फिर से जोड़ते हैं जैसे हमने बोला हस्बैंड ने बोला वाइफ को चाय में चीनी नहीं है इसका कि तुम 20 साल से चाय बनाना नहीं सीखी अरे इसमें जहर है ये कोई पीने लायक हुआ है तुमको चाय बनाने नहीं आता है अच्छा इमीडिएटली असर चालू हो जाता है इसका टेंशन वाला वाइफ जब तक किचन में वापस चीनी लेने जाती है तब वो पैर जोर से जोर से जमीन में मारते हुए जाती है जब वो चीनी का डब्बे से चीनी निकालती है तो दो चार बर्तन गिरा देती है आती है तो चीनी का डब्बा ऐसे धक्के मार के टेबल पे रख के बोलती है जितना चाहिए उतना तो डाल लो ये, ये फिर इंसल्ट चालू हो गया अच्छा हसबेंड फिर इंसल्ट भी कर देता है उसने चाय मिलाते मिलाते बोलता है आ, मेरे ऑफिस का चपरासी भी इससे अच्छा चाय बना देता है अब देखिए ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड टेंशन चालू हो गया अब तब तक हस्बैंड भी टेंशन देना चालू करता है वाइफ भी टेंशन फिर दोनों एक दूसरे के खानदान को कोसते हैं फिर एक दोनों एक दूसरे के माँ बाप को कोसते हैं और इस तरह से ये सिलसिला खराब से खराब तक जाता रहता है और आज के ज़माने में परिवार में आपस में जितने टेंशन है उसका सबसे बड़ा कारण है बोली अगर कोई बोलने में इंसल्ट करना बंद कर दे तो उसकी आधी टेंशन ख़त्म हो सकती है बिल्कुल तो डॉक्टर जैसे आपने बताया कि छोटी सी बात से इमीडिएट इफेक्ट शुरू हो जाते हैं और बॉडी में उसके साइड इफेक्ट देखने लाजमी है और नजर भी आ जाते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रभाव डाल रहे हैं चलिए फिलहाल एक कॉलर यूपी से हमारे साथ हेलो 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 जी बताए क्या जानना चाहते हैं आप uh, मेरा एक वाल खराब हो गया जी तो so, उसके लिए ट्रीटमेंट देखिए वेल्ब खराब का ट्रीटमेंट हमारे पास आ, नहीं है इन द सेंस कि वो हम कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जमने की वजह से ब्लॉकेज बनता है उसका इलाज कर सकते हैं अगर वेल्ब खराब हो गया फिर भी हम आपको दवाइयों का इलाज कर सकते हैं और अगर इसके बाद भी अगर संभव ना हो दवाई से भी पूरा कंट्रोल तो हो सकता है आपको सर्जरी करके वेल्ब को रिप्लेस कराना जरूरी हो सकता है तो ये आपका केस देखे बगैर हम नहीं बोल पाएंगे आप हमसे मिल सकते हैं तो मैं आपको एडवाइस दे दूंगा जी अगले कॉलर अम्बाला से डॉक्टर साहब हेलो हेलो राजेंद्र जी बताएं क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब नमस्कार जी नमस्कार डॉक्टर साहब मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ राजेंद्र मोहन शर्मा हाँ, मेरी मिसेज को इसमें मैदान था मैं कॉर्नरी टेस्ट हुआ था जी हाँ, हाँ। एंजो, एंजोग्राफी क्या बताया उन्होंने उन्होंने वही रटा रटा है क्वेश्चन परसेंट और फिर बोला होगा आपकी कंडीशन बहुत खराब है अभी का ये तो भी आए कैसे थे जाओगे कैसे वो तो सारी बात हो गई जी वहां से तो बच के आ गए उनसे बगैर कटे जी ऐसा है आपका देखिए वो ब्लॉकेजेस तो है होंगे जरूर हो सकता है दो चार परसेंट आगे पीछे पर डरने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए जरूरत है सबसे पहले लाइफस्टाइल को बदलना आपको मैं यही एडवाइस करूंगा अम्बाला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली में आज ही पता करिए हमारा अभी कैंप आने वाला होगा वो कैंप आप ज्वाइन कीजिए एक बार आप अगर पूरा दिन का कैंप कर लेंगे तो आपको इतनी क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगी कि आपको करना आगे क्या है किस तरह से रहना है हार्ट की ब्लॉकेज आ गई है ये बात तो पक्की है पर ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए ब्लॉकेज घट जाना चाहिए और इसके लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम बताएंगे और अगर वो लगता है ब्लॉकेज बहुत इंपॉर्टेंट जगह है तो उसका और भी इलाज जैसे नेचुरल बाईपास या बायोकेमिकल क्लीनिंग किया जा सकता है पर आप एक बार हमारा कैंप कर लीजिए इसका कॉस्ट बहुत कम होता है सिर्फ एक हजार रुपया लगता है दो लोगों का सुबह से शाम तक हमारे संग खाना वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड होता है तो आप इसको जरूर करिए और आपको बहुत सारा इससे कॉन्फिडेंस मिलेगी और आगे का रास्ता भी मिलेगा आगे चलें कैसे बिल्कुल राजेंद्र जी जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बिल्कुल भी दूर नहीं है तो आप डेली आकर तुरंत एक बार बारी चेकअप तो ज़रूर कराएं और डॉक्टर साहब हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि बिना किसी ऑपरेशन के बिना किसी सर्जरी के अगर आप साओल के माध्यम से ट्रीटमेंट कराते हैं तो इन सारी ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं साथ ही हार्ट रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके फ्री डीवीडीज भी मंगा सकते हैं डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ उड़ीसा से हेलो हेलो जी बताए बीएमजी जी क्या जानना चाहते हैं मेरा मिसेस का जी एज फिफ्टी वन है जी उनका कोलेस्ट्रॉल दो सौ दस है जी और एस डी एल थर्टी सेवन है उनको कोलेस्ट्रॉल एस डी एल थर्टी सेवन है जी ट्राइग्लिसराइड दो सौ दस है और उनका हाई बीपी भी है अच्छा, अच्छा। जी और उनका थायराइड भी है। ओके। okay. जी अच्छा तो क्या करना पड़ेगा थोड़ा बताइए हमको। देखिए ये जितने सारे आपने बात बताए हैं कि ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है एच डी एल कम है ये सब हार्ट की बीमारी बनाने में बहुत मदद करता है तो नेचुरली 51 इयर्स एज है हम चाहेंगे इस इनका आपकी वाइफ का पूरा जांच किया जाए और मैंने जैसे कि बताया है ब्लॉकेज कितनी अभी तक हो चुकी है वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा तो आपको मैं बोलूंगा आप चाहे तो उड़ीसा से में रहते हैं तो आप कलकत्ता आके जांच करवा सकते हैं इसको बोलते हैं सी टी कोरोनरी स्कैन आप हमारे कलकत्ता ऑफिस से कॉन्टैक्ट कीजिए और ये स्कैन कराइए कलकत्ता में सिर्फ साढ़े सात हजार रुपये में टेस्ट हो जाती है और फिर आप हमको दिखा सकते हैं और उसके बाद उसमें कितनी ब्लॉकेज आती है उसके हिसाब से आपको लाइफस्टाइल से ही पूरा काम हो जाएगा या आगे और भी कोई ज्यादा ज्यादा पावरफुल फुल ट्रीटमेंट जरूरत है वो मैं बता पाऊंगा पर पहले आप सीटी स्कैन करा के ये देखिये वो रियल में हार्ट की पेशेंट अभी तक बन चुकी है या बनने वाली है या बनी ही नहीं है ये डिटेल चाहिए हम लोग को जी डॉक्टर साहब इसी के साथ अगले कॉलर नासिक से हेलो हेलो महेंद्र जी बताएं क्या जानना चाहते हैं हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ की मैडम पैरालाइज जो हो जाता है जी। ये से वो उसके बारे में क्या एडवाइस दे सकते हैं पैरालाइज ऑलरेडी हो गया है लेकिन उसका आधा थोड़ा ये हो गया है इम्प्रूवमेंट आया है लेकिन उसमें आपका गाइड करना चाहता है आगे क्या तकदारी तो रखी जाए देखिए पैरालिसिस जो बीमारी है वो भी हार्ट के तरह ब्रेन में हार्ट अटैक हो जाता है समझ लीजिए हार्ट अटैक हार्ट में होता है ब्रेन के अटैक को बोलते हैं पैरालिसिस इसमें यूजुअली एक हेमरेज होती है या तो क्लॉट फंस जाती है इसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं इसमें पैरालिसिस हो जाती है एक साइड की खराब हो जाती है दोनों पैरों की खराब हो जाती है आ, पूरे नर्व्स खराब हो जाते हैं और इसमें चलने फिरने में दिक्कत होती है इसका भी इलाज देखिए लाइफ से ही रिलेटेड है एक तो पहले जिस वक्त हो पैरालिसिस उस वक्त तो देखिए जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो तो ओवर हो गया है। अब धीरे धीरे उनको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा और फिजियोथेरेपी के संग उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसाइड चेक करा के उनको कंट्रोल करना और पैरालिसिस में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट और पॉसिबल है जैसे कि नेचुरल बाईपास में भी पैरालिसिस में बहुत फायदा होगा उनको लाइफ चेंज जरूर करवाएं जी डॉक्टर साहब अपने दर्शकों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं अभी हमारे शो पर दर्शकों को वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का लेकिन उसके बाद भी हम आपसे वापस जुड़ेंगे आप बने रहिए साउल में हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं